children in class 12 we are starting chapter number 2 that is solution this is cbsc portion solutions always known as homogeneous mixture why they are called as homogeneous mixture because their concentration of solute is same throughout the mixture uh, as we mix salt in water salt is act like a solute and water act like a solvent so

Solvent, which is in largest amount, solute, which is in lesser amount. As we mix uh, mixing salt in water, salt will, is acting as solute, water is acting as solvent. As we mix sugar in water, sugar is acting as solute, water is acting as solvent. So solvent may vary, solute may vary, and they can have different physical state also so we can say that solution are generally binary solution binary means they are having two components as they can have solid liquid 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 gas liquid so according to the physical state we have divided the solution in three parts first are gaseous solution gaseous solution means gas will be the solvent here gas will be the solvent and the solute may be gas liquid or solid we have various examples such as gas in gas we have the example of atmosphere air liquid in gas we have example any liquid we can mix in gas such as chloroform mixed in nitrogen gas chloroform when mixed in nitrogen gas then it will be the example for gases solution in which liquid chloroform will be a solute and the gas will be a solvent दैन सॉलिड इन गैस कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस कैम्फर मीन्स कपूर इट कैन मिक्स इन नाइट्रोजन गैस ईजिली सो इट कैन फॉर्म गैसेज सोल्यूशन सो इन गैसेज सोल्यूशन क्या होता है गैस विल बी सॉल्वेंट एंड गैस सॉलिड लिक्विड दे कैन बी सॉल्यूट एंड वी हैव वेरियस एग्जाम्पल्स ऑल्सो सो द नेक्स्ट इज लिक्विड सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन जैसे आप समझ भी पा रहे हैं इसको गैसेज सोल्यूशन में मीन्स है गैसेज सॉलवेंट सो इन लिक्विड सोल्यूशन लिक्विड विल बी द सॉल्वेंट एंड लिक्विड विल बी द सॉल्वेंट लिक्विड विल भी द इन हायर अमाउंट सो द गैस लिक्विड और सॉलिड दे कैन बी इन लोअर अमाउंट दे कैन एक्ट ए सॉल्यूट सो वी हैव वेरियस एग्जाम्पल फॉर देट ऑल्सो नेक्स्ट आर सॉलिड सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन में सॉलिड विल बी द सॉल्वेंट सॉलिड विल बी इन मोर अमाउंट सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में होगा और गैस लिक्विड एंड सॉलिड दे कैन बी इन लेसर अमाउंट डिफरेंट शॉर्ट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे सच एज गैस इन सॉलिड हाइड्रोजन गैस इज मिक्सड इन पैलेडियम, पैलेडियम इज अ मेटल एंड इन इन विच हाइड्रोजन कैन बी एबेडिड हाइड्रोजन कैन बी फिक्स कैन बी मिक्सड इट कैन फॉर्म अ सॉलिड सोल्यूशन इन विच हाइड्रोजन एक्टिंग एज अ गैस सॉल्यूट एंड पेलेडियम इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट हि सो Here, according to the physical state, we have three types of solution gaseous solution, liquid solution, and solid solution. The next topic is how can we express the concentration of solution? Concentration ka matlab hai? In one liter, generally in concentration, we measure in liters. In liter, how much amount of mole of substance is found? So, but we have different. मैथड टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रेशन सोल्यूशन मे बी सेचूरेटेड अनसेच्यूरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड एज वी हैव डिस्कसड इन क्लास नाइन्थ टेंथ इन सब में हमने पढ़ा हुआ है बट हियर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मैथड ये मैथड हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है बट इसके अलावा भी हमारे पास और मैथड्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है इन दिस चैप्टर सो फर्स्ट मैथड इज मासज मास परसेंटेज मीन्स वी हैव टू टेक परसेंटेज ही परसेंटेज को लेना है बट किसका परसेंटेज मास बाय मास परसेंट मास इज एक्सप्रेसिंग एज डब्ल्यू डब्ल्यू इट इज़ द मास ऑफ कंपोनेंट इन द सल्यूशन मास ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट इन द सोल्यूशन मीन्स सॉल्यूट का मास है अपॉन टोटल मास ऑफ सल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी आपके पास सचेज आए है वन एक्जाम्पल ही टेन परसेंट ग्लूकोज अगर आपको दे रखा है टेन परसेंट ग्लूकोज इसका मतलब क्या हुआ टेन ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन नाइन्टी ग्राम ऑफ वाटर टोटल कितना हो जाएगा इसमें अमाउंट हंड्रेड ग्राम परसेंटेज का मतलब ये हंड्रेड ग्राम सो हंड्रेड ग्राम में नाइन्टी ग्राम वाटर है एंड टेन ग्राम इज ग्लूकोज सो ग्लूकोज इज एक्टिंग ए सॉल्यूट हियर एंड वाटर इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट सो इन शॉर्ट आई एम गिविंग यू द समरी दैट द चैप्टर सोल्यूशन ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है होमोजिनस मिक्सचर होता है ये इट इज़ हैविंग टू कम्पोनेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दिज आर बाइनरी सोल्यूशन दे आर कंसिस्टिंग टू कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट वी हैव डिवाइडेड द सोल्यूशन इन गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड आफ्टर दैट द फर्स्ट मैथड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज मासज डब्ली अपॉन डब्ल्यू वी कैन हैव द मास परसेंटेज इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एज थर्टी परसेंट सॉल्ट सोल्यूशन आपको दे रखा हो तो आप क्या कहेंगे इसके लिए थर्टी ग्राम सॉल्ट इज डिजॉल्व इन सेवेंटी ग्राम ऑफ वाटर देन इट इज़ मास बाय मास परसेंटेज So, the second method is volume percentage. As we have discussed, the first method mass by mass percent, this is if the solute and solvent are liquid, then we have to take volume. Volume can be taken in ml, in liter also. So, volume percentage is volume by volume percentage, volume of the component upon total volume of the solution multiplied by 100. Such as if we talk about 10 percent ethanol. Ethanol is लिक्विड हिअर एंड इट इज डिज़ोल्ड इन वाटर सो टेन एम एल इथेनॉल इज डिज़ोल्ड इन नाइंटी एम एल ऑफ वाटर दैन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज टेन परसेंट इथेनॉल सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल थर्टी फाइव परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ विथहाइलिन ग्लाइकॉल दिस इज़ नोन एज एन एंटी फ्रीज दैट इज़ यूज इन कार्स रेडिएटर फॉर द कूलिंग ऑफ द इंजिन ये हिली एरिया में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो एंटी फ्रीज जो होता है वो याद रखना है आपको दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल 35 फाइव परसेंट सोल्यूशन तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज आफ्टर दैट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर एक चीज़ आपके पास क्या है मास यानी ग्राम में या किलोग्राम में है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस किया था मास बाय मास देन सेकेंड इज वॉल्यूम वॉल्यूम थर्ड इज मिक्सिंग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे द नेक्स्ट इज इफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस अमाउंट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है uh, तो हम किस में लेते हैं पी पी एम में पार्ट्स पर मिलियन नंबर ऑफ़ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कम्पोनेंट्स मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस्ट रुपावर सिक्स अभी तक हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करे थे इसमें सिक्स से मल्टीप्लाई करना है टेन रेस रुपावर सिक्स पार्ट्स पर मिलियन से तो इस तरह से हमारे पास पीपीएम में परसेंटेज आ जाएगी पी में कंसेंट्रेशन आ जाएगी द नेक्स्ट मैथड दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज डिफरेंट ये इलेवेंथ क्लास में हमने पढ़ा हुआ है मोल फ्रैक्शन दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस सच एज दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन मोल का फ्रैक्शन जैसे कि आपके पास अगर ए एंड बी ए सॉल्यूट बी सॉल्वेंट दो पार्ट्स हैं सल्यूशन में तो क्या करना है आपको यू हैव टू डिडक्ट द मोल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट के मोल और उनका मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको एक्स ए एंड एक्स बी दोनों निकालना है आपको तो मोल फ्रैक्शन निकालना मैं बताती हूँ आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसको हम मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल टोटल मोल से हम इसको uh, बता सकते हैं इसके लिए फर्स्ट है मोल के बारे में बताती मैं आपको व्हाट इज मोल मोल इज वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्युलर मास मॉलिक्यूलर मास वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्युलर मास मोल कैन बी डिनोटेड एज एन वेट इन ग्राम वी कैन डिनोट बाय डब्ल्यू एंड मॉलिक्यूलर मास बाय एन सो दिस इज मोल एन ए इज मोल ऑफ कंपोनेंट ए एन बी मोल ऑफ कंपोनेंट बी सो टोटल मोल कितने हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी एंड द फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट मोल फ्रैक्शन जो है फर्स्ट मोल का जो फ्रैक्शन है वो किस तरह से हम ले लेंगे एक्स ए जो है मोल्स ऑफ ए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी एंड एक्स बी विल बी एन बी अपॉन एन ए प्लस n b these are the x a and x b